कि अगर आप कोई फार्मूला लगा रहे हैं और फार्मूला बूस्ट कर रहे हैं बर्ड के लिए, उन सब को एक तरफ रख दें और लूसन को एक तरफ रख दें। जो फ़ायदे लूसन के हैं ना, नेचुरल विटामिन्स और नेचुरल कैल्शियम, अगर आपके एग फर्टाइल नहीं होते, मतलब आपके बर्ड्स के एग फर्टाइल नहीं होते, तो आप लूसन का इस्तेमाल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपके पेट्स और आपके घर वाले खैर ऑफिस से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लूसन लव बर्ड्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या खातमुन नबीयीन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे पास लूसन कैसे और किस तरह आता है वो भी सारा कुछ आपको बताते हैं कि हमारे पास किन के लिए लूसन इस्तेमाल होता है, तो हम क्या क्या करते हैं उसका। मुँह की तरफ ये दोनों देख रहे हैं कि जनाब हमें कुछ डाला जाए, लेकिन माशाल्लाह इनके पेट भरे भी हुए हैं, उसके बावजूद इनका मुंह मेरी तरफ ही है कि भाई कुछ डाल दो हमें। तो फिर इनको जो हम डालने वाले हैं वो है लूसन। तो ये वो लूसन है, आजो 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 आजो, बस भाई चलो शाबाश, ये लूसन इनके लिए है। और अभी रुके ज़रा, मैं आपको इसका बताने लगा हूँ कि इसके अंदर से पहले ही मैंने थोड़ा सा ले लिया अपने बर्ड्स के लिए। ये वो लूसन है जो मैंने पहले से ही ले लिया था लव बर्ड्स के लिए, निकाल लिया था, और बाकी हमारे सोनू और शेरू के लिए चला गया। और इसको हम धो लेते हैं, ताकि आपको पता ही है कि जब ये फसलों से आता है तो इसके ऊपर स्प्रे वगैरह की जाती है, जो कि हमारे लव बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। फिर भी इसको आप वॉश कर लें और उसको थोड़ा सा सुखा लें। और ये देखें, हमारे रैबिट्स को भी लूसन ही डाला हुआ है। लूसन के अलावा वो जो कुतरा हुआ चारा होता है वो भी डाला हुआ है इनको, लेकिन अब ये वाला जो लूसन है ये हम डालने जा रहे हैं अपने लव बर्ड्स को। लूसन इतना एक पेड़ के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कुछ जो है वो खाते हैं और कुछ वेस्ट भी करते हैं, तो इसलिए हमने इतना सा डाल दिया है कि भाई ये कुछ खा भी लें और कुछ वेस्ट भी कर दें। आपको पता ही है लव बर्ड्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी के साथ। तो इतना इतना लूसन, आप दो दो डंडियां भी इनके लिए काफ़ी होती हैं। लेकिन अगर आपके बर्ड्स ब्रीड करते हैं, मतलब कि एग ले करते हैं और फर्टाइल नहीं होते एग, तो उनके लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद है, क्योंकि लूसन के अंदर कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन और कैल्शियम, हर तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। और हमारे पास ऊपर चार पीस हैं, इसमें दो पेयर मतलब के, तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। दो दो डंडियां कह लें कि एक पेयर के लिए काफ़ी होती हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा है, इस वजह से मैं डाल रहा हूँ ज़्यादा भी, क्योंकि आपको पता ही है कि इन्होंने आधे से ज़्यादा तो इसको वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इनके लिए कि आप लूसन रोज़ाना भी दें इनको, तो इनके लिए कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है, ठीक है, इनके लिए इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये देखें, आप बच्चों को दें, बच्चों के बगैर जो बर्ड है उसको दें, इसको फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई ये लाइव इतना इतना मैं इनके आगे डाल चुका हूँ, और ये देख, तो नीचे से रैबिट ना खा जाए। आप इन अगर बच्चे भी हो ना पेयर्स के साथ, तो भी उनको डालें। तो अगर आपके एग फर्टाइल नहीं होते, मतलब आपके बर्ड्स के एग फर्टाइल नहीं होते, तो आप लूसन का इस्तेमाल करवाएं, जिसके साथ एग की फर्टिलिटी जो है वो 90-95% इंक्रीज़ हो जाती है लूसन खिलाने से। लूसन खिलाने के इंतहाई बेशुमार फ़ायदे हैं कि अगर आप कोई फार्मूला लगा रहे हैं और फार्मूला बूस्ट कर रहे हैं बर्ड के लिए, उन सब को एक तरफ रख दें और लूसन को एक तरफ रख दें। जो फ़ायदे लूसन के हैं ना, नेचुरल विटामिन्स और नेचुरल कैल्शियम इसमें पाए जाते हैं, इस लूसन में पाए जाते हैं, वो किसी और चीज़ में नहीं पाए जाते। तो इसलिए अपने लव बर्ड्स को सारा साल इस्तेमाल करवाएँ, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप बाहर मार्केट चारे वाली दुकान पे जाएं, तो वहाँ से आपको 10 रुपये का बासानी मिल जाएगा और अपने आप पूरे शेड में डाल सकते हैं, क्योंकि उनके लिए दो दो स्टिक भी काफ़ी होती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इनको खिलाएं और लाजमी खिलाएं। आगे ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, जिससे इनकी एग फर्टिलिटी और इनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी होगी। और मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जानवरों के लिए आता है लूसन, तो मैं डालता हूँ अपने बर्ड्स को। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अजाने शुरू हो गए हैं, तो दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।